योगी सरकार चाहे जितनी भी महिला सुरक्षा के दावे कर ले, लेकिन सच यही है कि महिलाएं न्याय के लिए भटकती नजर आ रही हैं। महोबा में एक छात्र एक सप्ताह से न्याय के लिए भटक रही है। छात्र के परिवार को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। धमकियों से छात्रा का परिवार डरा सहमा हुआ है। वहीं आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्रदेश की योगी सरकार छात्राओं को सुरक्षित माहौल देने का दावा कर रही है, तो वहीं एंटी रोमियो स्कॉट के जरिए छेड़खानी की वारदातों को रोकने की बात करती है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि आए दिन छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं और इन मामलों में पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। मामला महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र का है, जहां एक पखवारा पूर्व नाबालिग छात्रा अपने घर से शौच के लिए जा रही थी, तभी पहले से घात लगाकर गांव के दबंग युवक लालजी यादव ने उसे दबोच लिया। दबंग ने छात्रा के साथ अश्लीलता और छेड़छाड़ की। इससे पहले दबंग किसी वारदात को अंजाम दे पाता, छात्रा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आरोपी पीड़िता को धमकाता हुआ फरार हो गया। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी आपबीती अपने परिजनों को बताई। नाबालिग के साथ हुई छेड़खानी की घटना को लेकर परिजन खन्ना थाना पहुंचे, जहां पुलिस को आपबीती बताई गई। मामले को पहले तो दबाने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों से शिकायत किए जाने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर 15 दिन होने के बाद अभी तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में दबंग आरोपी द्वारा पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता बताती है कि उसके साथ दबंग द्वारा छेड़खानी की गई और आज भी उसे धमकाया डराया जा रहा है। उसे डर है कि उसके या उसके परिवार के साथ कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। जब हम सुबह शौचालय करने के लिए गए, तब हमारे गांव का ही लड़का लाल जी, तब हम शौचालय करके जब वापस आ रहे थे, तब उसने हमें बुरी तरह से लिपटा और हम उसे बुरी तरह से हमने उसे छुड़ाई, किसी भी तरह से छुड़ा कर घर आए। घर में सबको, अपने माँ बाप को सब ये सारी बातें बताई, तब हमारे मम्मी पापा ने थाना खन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब हमने दो तीन बार यहाँ महोबा भी आए, सीओ के यहाँ गए, सीओ भी नहीं कुछ बता रहे हैं। 11 मार्च 2018 हुई थी रविवार को। लड़की जब रोते हुए घर में आई तो उसने बताया कि मुझे लालजी यादव ने रास्ते में छेड़ा है और बुरी भला कहा है। तो अब हम इसके बाद थाने गए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि आपकी डॉक्टरी होगी, डॉक्टरी के लिए अस्पताल गए, डॉक्टरी रिपोर्ट भी हो गई। फिर इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एसपीएन कोलांची का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।